अब हमें कोई भी एक कंटेंट्स अपना चूज कर लेना है कि हमें किस कंटेंट पे काम करना है, उसी के बाद हम कंटेंट पे काम कर पाएंगे। तो बेसिकली मैं प्रीमियम कंटेंट की तरफ जाऊंगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा मशीन मेकिंग वीडियो, इस तरीके का कंटेंट आ गया। तो इसमें से हमें कोई भी एक कंटेंट चूज कर लेना है जिस पर भी हम काम करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक कंटेंट चूज कर लेता हूं। ये MMC करके एक चैनल है, इनका आप कोई भी कंटेंट पिक कर सकते हैं। और देख सकते हो 28 मिलियन व्यूज, इसी को हम जैसे कि ये कंटेंट आ गया, हम इसको डाउनलोड करने के लिए शेयर बटन पे क्लिक करेंगे, कॉपी न्यू टैब पे जाएंगे और दो साइट्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप सेव कर लीजिए, सेव फॉर नेट, सेव फ्रॉम नेट करके एक वेबसाइट है, YT5S, YT5S करके एक वेबसाइट होती है, इस पर हम अपने लिंक को पेस्ट करेंगे, स्टार्ट कर देंगे। सिंपल क्वालिटी आप यहां से चूज कर सकते हो, गेट लिंक, सेम सेकंड साइट पर भी सेम प्रोग्रेस, आपने लिंक पेस्ट किया, डाउनलोड पर टैप किया, ये आ गया। इस पर डाउनलोड पे आप क्लिक करोगे इस तरीके से, डाउनलोड ये ऐड कार्ड देना है हमें, ये वीडियो डाउनलोड हो गया। अगर तक ये डाउनलोड हो रहा है, फिल्मोरा ओपन कर लेंगे अपना। तो कंटेंट डाउनलोड करने के बाद हमें आ जाना है अपने फिल्मोरा में, यहां पर हम अपनी वीडियो की एडिटिंग करेंगे एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर। तो सबसे पहले एक वीडियो सिलेक्ट कर लेते हैं डबल क्लिक करके, ये हमारी डाउनलोड वीडियो आ गई इस तरीके से। ये करीब 7-8 मिनट की वीडियो है, इसको हम कट करके छोटा कर लेंगे। पहले हमें इसका साइज चेंज करना होगा, इस वीडियो का हमें साइज चेंज करना है। तो ये आपको दिख रहा होगा एक टीवी जैसा ऑप्शन बना हुआ है, टीवी सेटिंग, इस पे आप क्लिक करोगे, चेंज प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे, फिर आप इसका साइज जो है वो 1x1 1080x1080 में सिलेक्ट करके ओके कर दोगे। ये आप देख सकते हो चेंज हो गया। इसके बाद हमें वीडियो पे राइट क्लिक करना है और ऑप्शन मिलेगा आपको क्रॉप एंड जूम, क्रॉप एंड जूम पे क्लिक करेंगे और इसका भी हम 1x1 क्रॉप कर देंगे। तो अभी हमारी वीडियो का साइज चेंज हो गया। इसके बाद हमें इसकी कुछ ऑडियो को चेंज करना होगा। ऑडियो को चेंज करने के लिए राइट क्लिक, ऑडियो ऑब्जेक्ट में जाएंगे, ये हम डिफॉल्ट से इसको कर देंगे क्लासिक और रिमूव बैकग्राउंड नॉइस पर क्लिक करके ओके कर देंगे। इससे हमारी वीडियो की ऑडियो चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो प्रोग्रेस है, इसकी हमें स्पीड चेंज करनी होगी, तो हम राइट क्लिक करेंगे दोबारा अगेन और अब जाएंगे स्पीड में, स्पीड एंड ड्यूरेशन इसको कर देंगे 1.10 1.10 या 1.50 के अराउंड आप कर सकते हो और फिर ओके कर दिया। अब ये वीडियो हद से ज्यादा चेंज हो चुकी है। इसकी कटिंग हो गई तो ये स्क्वायर में आ गया। उसके बाद हमने इसकी ऑडियो भी चेंज कर दी, उसके बाद हमने इसकी स्पीड भी चेंज कर दी। अब हमें इस वीडियो में थोड़ा बहुत कटिंग करनी होगी, जैसे ये 7 मिनट की, हम इसको अराउंड 4 से 5 मिनट का बना देंगे। हम स्टार्ट करते हैं अपनी कटिंग,
जैसे कि ये पार्ट आपको दिख रहा होगा जहां पर मशीन शो हो रही है, इस मशीन वाले पार्ट को इस तरीके से कट करके आगे ले आएंगे। इस तरीके से, और इस पार्ट को हम अभी छोड़ देते हैं। तो ये हमारा 2 मिनट का अराउंड, 1 मिनट 40 सेकंड का एक पार्ट हो गया। इसको हम कट करेंगे अगेन। कट करने के बाद कोई भी एक पार्ट इसका यहां से कट करके डिलीट कर देंगे। डिलीट किए सिंपल, आपने दोनों कट किए, राइट क्लिक और ये डिलीट। फिर हम इसमें स्पेस देके जो पार्ट हमने स्टार्टिंग में काटा था इसको बीच में मेंशन कर देंगे इस तरीके से। अब ये पार्ट बीच में एंटर हो गया और वीडियो स्टार्ट हमारी बीच से हो गई इस तरीके से। हम थोड़ा सा वीडियो को चेक करेंगे। अभी जो मेन पर्सन आ रहे हैं इनको हमें कट करना होगा इस तरीके। एक कट लगाएंगे हम, सिंपल ये पूरी एंड तक है तो हम इनको इधर से कट कर देंगे। इसको कर देंगे हम डिलीट क्योंकि ये पार्ट हमें जरूरत में नहीं है, और इसको कर देंगे हम एडजस्ट। तो अब ये हो गया हमारा अराउंड 251, 3 मिनट के आसपास का। अब इसको आपको पूरा चेक कर लेना है कि कहीं जो क्रिएटर है वो कहीं लास्ट में या बीच में शो तो नहीं हो रहा है। इसको आपको प्रॉपरली चेक करना है, पूरी वीडियो को देखना पड़ेगा एक बार बैठ करके, फिर ये कंप्लीटली आपकी वीडियो है। अब हमें इसमें एक कलर फिल्टर लगाना है, तो इफेक्ट में जाएंगे, उसके बाद कोई भी एक इफेक्ट इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। तो आप देख सकते हो पहले जो कलर था वो ये था और अब चेंज हो गया। तो हमारी वीडियो बनके अब डन हो चुकी है। इसको करना होगा हमें एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, इसको कर देंगे गुड। ये आपका बेटर होगा, इसको गुड कर दें ताकि जो केबीपीएस है वो कम हो जाएगी। इससे हमारी एमबी कम लगेगी, जो मतलब एक्सपोर्टिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, एक्सपोर्ट जल्दी हो जाएगी वीडियो। और सिंपल इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे अपने डाउनलोड सेक्शन में, सिलेक्ट जिस भी सेक्शन में आपको करना है सिलेक्ट कर सकते हैं और एक्सपोर्ट। ओके, तो ये अब ये डन हो चुका है, इसको हम क्लोज कर देंगे और अब चलते हैं अपने क्रिएटर स्टूडियो की तरफ। तो बेसिकली अभी हमने एक ही कंटेंट समझा है, बाकी और अगर आपने कंटेंट नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा जो हमारी डे 1 की क्लास थी, उसमें मैंने सारे कंटेंट समझाए हुए हैं कि किस किस टाइप के कंटेंट हैं, और सारे कंटेंट आपको डाउनलोड करने के लिए YT पे मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं सीधा क्रिएटर स्टूडियो की तरफ, क्योंकि जो भी आपकी वीडियो वगैरह या जो भी आपका काम होगा वो सारा क्रिएटर स्टूडियो से ही होगा। तो जिस भी पेज पे आप काम कर रहे हो उस पेज को आप ऊपर से इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे, जो भी आपका पेज होगा, उसके बाद क्रिएट न्यू और अपलोड वीडियो पे आपको अपनी वीडियो सिलेक्ट कर लेनी है। अभी अपलोडिंग चालू हो गई, तब तक हम इसमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन मेंशन करेंगे।
ये हमारे इस तरीके से टाइटल आ गया। अगर आप चाहो तो वाईटी से उठाकर भी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और अगर बनाना चाहे तो हम अपना खुद बनाएंगे। अब हमें एक थंबनेल सिलेक्ट करना होगा, तो ये सजेशन आपको खुद करता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चूज फ्रेम पे जाएं, इस तरीके से वीडियो से सिलेक्ट कर लें, वो आपको अच्छा लगता हो आप उसको इस तरीके से सिलेक्ट करके सेव थंबनेल। ये ज्यादा अच्छा नहीं है, चूज डिफरेंट। ये वाला इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड पे क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद चलेंगे हम ऑप्टिमाइज में। अगर कैप्शन है आपकी वीडियो में तो आप कैप्शन पर टिक कर सकते हैं, वरना अनटिक कर दें। पब्लिश, और सिंपली नीचे पब्लिश का ऑप्शन आएगा, हम इसको पब्लिश कर देंगे। अभी ये 1 से 2 मिनट के लिए प्रोसेसिंग में जाएगी। ये प्रोसेसिंग में जाने के बाद हमें चलना होगा अपने पेज पे, हम इसको चेक कर लेंगे पेज पे जाकर के कि ये पोस्ट हुआ है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हो ये पोस्ट हो गई है ऑलरेडी, थंबनेल भी काफी अच्छा आया है, कलर वगैरह भी सारे बढ़िया आए हुए हैं। अब हम इसको अगेन चेक कर लेंगे, ये रिफ्रेश करोगे आप एक बार अगेन। ये आप देख सकते हो पब्लिश हो गई। तो इस तरीके से हमारी सारी वीडियो वगैरह डाउनलोड होंगी, फिर हम उसको एडिट करेंगे, फिर उसको करते हैं। ये तो हो गया हमारा पोस्टिंग का काम, कंटेंट बनाना, अपलोड करना वगैरह। लेकिन अब इस पर व्यूज कैसे आएंगे? मेन पॉइंट हमारा वही होता है कि अब इस पर व्यूज कैसे आएंगे। तो व्यूज लाने के लिए जो हमें जरूरत पड़ती है वो पड़ती है ग्रुप की, और अपनी वीडियो को शेयर करने की। जब तक वीडियो को शेयर नहीं करेंगे वो लोगों तक नहीं पहुंचेगी, जब तक हमारी वीडियो पे व्यूज नहीं आएंगे, राइट? तो ग्रुप और शेयरिंग सेटअप की जो हमारी क्लास है वो आएगी नेक्स्ट डे आएगी, तो फिर हम उसमें सीखेंगे किस तरीके से ग्रुप में हम अपनी वीडियो को शेयर करेंगे और अपनी वीडियो को व्यूज लाएंगे, ज्यादा से ज्यादा व्यूज लाएंगे।